कैंपा कोला। हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैंपा कोला के शानदार इतिहास की, कि कैसे कैंपा कोला भारत में आई, कैसे कैंपा कोला का राइज हुआ और कैसे कैंपा कोला का डाउनफॉल हुआ, वो क्या वजह थी जिनकी वजह से कैंपा कोला मार्केट में बंद हो गई। आज भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब भी कभी सॉफ्ट ड्रिंक लेनी होती है तो तकरीबन मुँह से निकलता ही है कि कैंपा लिया। और जितने भी बड़ी एज के होंगे, जिनकी 40 होगी, 45 होगी, तकरीबन 50 होगी, तो वो तो कैंपा बोलते ही हैं। तो क्या थी ये कैंपा, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, वो दौर था 1949 का, जहाँ से कैंपा कोला की नींव पड़ी। देश को आज़ाद हुए मात्र 2 साल हुए थे और देश में खाने पीने की चीज़ों की काफ़ी कमी देखी गई थी। तब इंडिया की एक कंपनी थी द प्योर सॉफ्ट ड्रिंक, वो अमेरिका जाती है, यूएसए जाती है और कोका कोला से डील करती है। वो डील करती है सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, लाइसेंस ले लेती है इंडिया में कि हम आपके प्रोडक्ट को सेल और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब दोस्तों क्या था कि इंडिया में कोई भी बाहर की कंपनी आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या अपना कंपनी, अपने बिजनेस सेटअप नहीं कर सकती थी। ये इंडिया में पॉलिसी बनाई गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे आए थे इंडिया में बिजनेस करने और देखते देखते इंडिया को एक्वायर कर लिया था। तो यही वजह थी कि इंडिया वाले उस समय किसी भी बाहर की कंपनी को बिजनेस करने का लाइसेंस नहीं देते थे, और अगर कोई कंपनी आना भी चाहते थे तो किसी इंडियन के साथ पार्टनरशिप करके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई इंडिया का बिजनेसमैन हो। द प्योर सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला को बड़ी मेहनत करके देश में जहाँ तहाँ फैला देती है। जैसे ही कोका कोला की एंट्री इंडिया में होती है, इंडिया के जो रईस वर्ग थे उनको इसका टेस्ट काफ़ी पसंद आता है, और देखते देखते इसका टेस्ट आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगता है। जैसे कि आप लोग अभी भी कोका कोला को पसंद करते ही है ना, तो तभी भी ऐसा ही था, एकदम नया प्रोडक्ट था, नया कंसेप्ट था। उसके बाद देश में इमरजेंसी को इम्पोज किया गया, और जैसे ही इमरजेंसी हटी तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उसको भी हटाया गया। नई गवर्नमेंट आई और उन्होंने देखा कि एक बाहर की कंपनी पूरे इंडिया के लोगों को एडिक्ट बना देती है अपने टेस्ट का, और इतने सारे रुपए कमा के इंडिया से बाहर लेके जाती है, जिससे इंडिया को कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने कोका कोला कंपनी को कॉल किया और उनसे डील की कि आपका जो परसेंटेज है वो 100% है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको इंडिया में अपना बिजनेस करना है, तो इसको 40-60 के रेशो पर लेके आइए और हमारे साथ कोका कोला का फॉर्मूला साझा कीजिए कि कैसे आप कोका कोला बनाते हैं, चाहे वो कोका कोला अमेरिका में हो, चाहे वो कोका कोला नागपुर में हो, मुंबई में हो, या फिर कहीं पर भी हो, कहीं से भी आप कोका कोला ले लीजिए, उसका टेस्ट सेम ही रहने वाला है। तो कोका कोला ने अपना फॉर्मूला शेयर करने से मना कर दिया और देखते देखते कोका कोला इंडिया से आउट हो गई। ऐसे में गवर्नमेंट ने भी अपना एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम था 77 सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि 1977 में ही गवर्नमेंट चेंज हुई थी, शायद यही वजह था कि सॉफ्ट ड्रिंक का नाम 77 सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया। प्योर सॉफ्ट ड्रिंक जो कंपनी थी उसके पास उस समय 2800 कर्मचारी थे, तो उनके सर्वाइवल का सवाल था। प्योर सॉफ्ट ड्रिंक ने भी अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोची, जिसका नाम रखा कैंपा कोला। कैंपा कोला देखते देखते फेमस होने लगी, क्योंकि जो कोका कोला का टेस्ट था वो लोगों की जबान पे था, तो 77 को तो इंडियन लोगों ने बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, वो देखते ही देखते फ्लॉप हो गई। तब मार्केट में एक और सॉफ्ट ड्रिंक की एंट्री होती है, जिसका नाम था थम्सअप। ये पार्ले जी की सब्सिडरी ब्रांड थे। दोनों में कंपटीशन चलने लगा कैंपा कोला और थम्सअप के बीच में, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग मार्केट शेयर था। लेकिन 1990 में जाकर मनमोहन सिंह जी ने कानून में कुछ रिफॉर्म्स किए और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया। जैसे ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया तो इसका मतलब था कि अब बाहर की कंपनी इंडिया में आकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है, सेल कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। अब भारतीय बाजार खुला था विदेशी कंपनियों के लिए। तब बाहर से दो कंपनी आती है, अगेन कोका कोला कमबैक करती है और साथ में पेप्सी भी आती है। जैसे ये कंपनी इंडिया में आती है, एक के बाद एक टीवी में ऐड देना शुरू कर देती है, जिससे कि कोका कोला की जो मार्केट है वो फिर से बढ़ने लगी। और जो सबसे पहले कोका कोला ने आते ही काम किया, क्योंकि कैंपा कोला की इतने ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं था, थम्सअप का ज़्यादा था, तो सबसे पहले कोका कोला ने आते ही थम्सअप को अक्वायर किया, टेक ओवर किया। उसका कंपटीशन ख़त्म होने के बाद अब कंपटीटर बचा था सिर्फ कैंपा कोला। थम्सअप
देखते ही देखते थम्सअप ने और कोका कोला ने और भी ज़्यादा मार्केट शेयर अडॉप्ट किया। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो कोका कोला का 49 शेयर है इंडियन मार्केट के अंदर। और देखते ही देखते कैंपा कोला का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 2000 से 2001 आते आते कैंपा कोला का बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया। कैंपा कोला का नई दिल्ली में जो हेडक्वार्टर था वो भी बंद हो गया। 2009 आते आते पूरी तरीके से मार्केट से स्वाइप आउट हो गई। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि समय सबका बदलता है, लेकिन अभी दी एंड मत समझो दोस्तों, पिक्चर भी बाकी है। 2022 में रिलायंस इंडस्ट्री ने दोबारा से कैंपा कोला के ब्रांड को 22 करोड़ में, मात्र 22 करोड़ में खरीद लिया है, क्योंकि रिलायंस के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 22 करोड़ कुछ भी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री सॉफ्ट ड्रिंक में भी अपना पैर जमाना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में आई तो एकदम मार्केट को हिला दिया, और अब रिलायंस इंडस्ट्री सॉफ्ट ड्रिंक में भी अपना कदम रखना चाहती है। और उम्मीद है कि आने वाली दिवाली तक रिलायंस अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च भी कर देगा, जो कि लगभग 3 फ्लेवर में आएगा, कोला, लेमन एंड ऑरेंज। सर दोस्तों ये थी कैंपा कोला का इतिहास। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।